तेरो लहंगा क्या भलो अच्छा जीरो रंगीली बिछोड़ी है वो जरा आंखों में लगा ले कांजला नजर लागली टॉपिक पे गाना आ चुका था मार्केट में और हम जैसे सभी लोग आप लोग कोई भी मतलब जैसे शादी ब्याह होता तो वहाँ पे लहंगा हो बहुत होता है। हमने कहा यार लहंगा पे गाना नहीं बन रखा, हम लिखते हैं कुछ। हे मधु कानों में झुमका परी, माथे में बिंदिया गवो गला बंदा परी, हाथे में पूजिया हे मधु। कम से कम 15 साल जो करी है, सन 2000 से। और अभी अभी छोड़ा मैंने, मैं ये 2000 जब मेरा लास्ट मैंने जब जॉब छोड़ी है, बोल इरा के बाद जॉब छोड़ दी थी। तो इस वक्त हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है जिनके गाने आप सुनते हैं, पूरा उत्तराखंड उनके गानों में झूमता है और आज वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ इंदर आर्या हैं। तो उनसे आज तमाम बातें पूछी हैं हम, कुछ खास ऐसी बातें पूछेंगे जो आपको नहीं पता होगी और उनके गाने लगातार कैसे हिट हो रहे हैं उसका राज भी पूछेंगे। और आजकल हम देख रहे हैं कि उनकी फिटनेस भी काफी अच्छी हो चुकी है और वो अपने गानों में भी नजर आ रहे हैं, तो उसके बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहले इंदर भाई आपका बहुत बहुत स्वागत उत्तराखंड तक। नमस्कार सभी को, प्यार भरा नमस्कार पहला। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उत्तराखंड तक का और जिनके माध्यम से अपनी बात रखने वाला हूँ आज। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं गानों से, क्योंकि आपके गाने जो हैं वो लगातार जब से आप म्यूजिक इंडस्ट्री में आए हैं उत्तराखंड के, तब से ही आपके गाने धूम मचा रहे हैं। तो क्या है इन गानों का राज, और सबसे पहला गाना जो था उसके पीछे क्या थीम थी जो सुपर हिट हुआ? गानों का राज है पब्लिक, अगर पब्लिक को अच्छी चीज दोगे तो गाने हिट होने हैं। और सबसे पहला गाना मेरा पुष्पा करके था, वो पुष्पा करके, उसके बाद हमने लहंगा लिखा और काफ़ी लोगों ने प्यार दिया। बस धीरे धीरे करते रहे ऐसे काम, और पब्लिक का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है और पब्लिक ने ही बनाया होता, जो आज हम ऐसे खड़े हैं ऐसे बैठे हैं तो ये सब पब्लिक का ही दिया हुआ है। और बहुत बढ़िया लगा, मैं पहाड़ी में भी बात करता हूँ, मेरे को ज़्यादातर पहाड़ी में बोलता हूँ, अभी हिंदी बोली मैंने, सभी को क्षमा चाहूँगा। और मैं पहाड़ी में बुलानी है और सबन का नमस्कार पहला प्रणाम, बहुत बढ़िया लगना आज मैं आज उत्तराखंड आज तक मैं आप बात धनी और इसी के आप लोग सपोर्ट करिए। तो इंदर भाई देखो, आपका जो पहला हिट गाना था तेरो लहंगा, तो इसके पीछे क्या थीम थी और गाना क्या आपने खुद लिखा था? हाँ, ये गाना इसके पीछे राज ये था, और क्योंकि मतलब हर टॉपिक पे गाना आ चुका था मार्केट में और हम जैसे सभी लोग आप लोग कोई भी मतलब जैसे शादी ब्याह होता तो वहाँ पे लहंगा हो बहुत होता है। हमने कहा यार लहंगा पे गाना नहीं बन रखा, हम लिखते हैं कुछ। तो उसके साथ रंगली पिछौड़ी भी थी, तो बहुत अच्छा लिख दिया वो मैंने, और मेरे साथ मतलब उसका जो मेन हुक लाइन है वो मैंने लिखी और उस पर जो अंतरे लिखे सोनू भगवाल जी ने और लिखे हैं, और हम साथ में जॉब करते थे अम्बाला में। तो गाना जब हमने यूट्यूब में डाला तो बहुत प्यार मिला, वो मेरा फर्स्ट गाना था। उसके बाद उसके सीरीज चलाई हमने, उसके 10 पार्ट है अभी, चार पार्ट आ चुके हैं, अभी 5वें पार्ट आने वाला है नवंबर में। जॉब का जिक्र हो गया, तो क्या जॉब करते थे, कहाँ नौकरी करते थे, दर्शन की बताइए। मैंने होटल लाइन में कम से कम 15 साल जॉब करी है, सन 2000 से। और अभी अभी छोड़ा मैंने ये 2000 जब मेरा लास्ट मैंने जब जॉब छोड़ी है, बोल इरा के बाद जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि थोड़ी अच्छा मतलब गाना हिट होने के बाद भी आप लगातार काम कर रहे थे। हाँ, क्योंकि वो गाना हिट होने का मतलब है कि काम थोड़ी छोड़ना है, काम नहीं छोड़ना ना, परिवार तो सही बन रहा है। हाँ, मेहनत करते रहना है, मेहनत करते रहा मैं, और अच्छे अच्छे गीत दिए और सभी गीतकारों ने बहुत अच्छा गीत लिख के दिया मेरे को, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। जैसे हमारे बड़े भाई चंदन लाल जी हो गए, सोनू भगवाल जी हो गए, मोहन गुप्ता जी हो गए, काफी लोग हैं और पवन गुरु है और बहुत सारे गीत हैं। हफ्ते में अतरा का दिन हमारे सुरेश प्रसाद सुंदर जी का दिन का मैंने गाया, बहुत सारे गीत हैं, मैंने अभी तक नए गीत गाए हैं और हिट मधुली गाया जो नैना सिंह राहुल जी का, वो दिवली था, मैंने उसमें अंतरे हमने नए करे और वो हमारी दादी ने लिखे, हमारे गांव की एक अम्मा है उन्होंने लिखे, वो चादर इंटरप्राइज से आया, बहुत हिट हुआ गाना भी। अच्छा, तो जब आप बचपन में गाने सुनते होंगे, क्योंकि अक्सर पहाड़ों में तो कुमाऊनी गाने ही बजते थे तो और गढ़वाली गाने ही बजते थे, तो उस वक्त आपके आपका कौन सा फेवरेट सिंगर था जिससे आपने थोड़ा सीखा, या आप उस जैसा बनना चाहते थे या मैं ऐसे गाने गाऊंगा इसकी तरह? उस टाइम पे सीडी में गाने चलते थे, बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर में गाने चलते थे, तो कौन सा ऐसा सिंगर था जैसा आप बनना चाहते थे उसके जैसा? मुझे जब से होश आया है हमारे भीष्म पितामह कहते हैं उनको, श्री नैना राहुल जी, अच्छा, मैंने उनके गीत सुने शुरू से, फिर बहुत सारे ललित मोहन जोशी जी हैं हमारे और बहुत कैलाश मेहरा जी हैं, हेमा ध्यानी जी हैं,
आशा नेगी जी हैं, मीना राणा जी हैं, सभी के गीत सुने, लेकिन जो जिनको मैं आइडल मानता हूँ श्री नैना सिंह नैना जी को जी। वो हमारे गांव के बगल के, हमारा अगल बगल ही है, मतलब उनकी धरती से मैं भी हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है उनको देख के, कुछ ना कुछ आपको लगता भी होगा कहीं ना कहीं। तो आप स्ट्रगलर काफी रहे हैं, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, होटल में नौकरी की आपने बताया, अक्सर बाहर के लोग नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं, होटल में नौकरी करते हैं, तो क्योंकि आर्थिक परिस्थिति नहीं होती सही और रोजगार नहीं होता, लेकिन अब तो इंदर आर्या सुपर हिट हैं, इंदर आर्या अब तो बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि इंदर आर्या के पास अब किसी चीज की कमी नहीं है, तो उस वक्त और आज के दौर में क्या महसूस होता है और क्या अच्छा लगता है और क्या आपको कमी महसूस होती है? मैं जैसे 6 साल पहले था वैसी हूँ अभी भी। अच्छा। वैसी मेरा नेचर है, मैं जमीन से जुड़ा हूँ, मैं सभी, मैं ये नहीं, मैं कहीं भी जाता हूँ मेरा कोई डिमांड नहीं होता कि मेरे को ऐसा रूम चाहिए मुझे। अच्छा। ऐसा, मैं कहता हूँ दाजी मुझे दाल रोटी चाहिए बस, मैं उसी में खुश हूँ, आप नीचे सुलाओगे नीचे सो जाऊंगा। अच्छा। और बस कोई डिमांड नहीं होती बस, क्योंकि मुझे पता मैं कहाँ से आया हूँ, मैं जैसा था वैसा ही हूँ और वैसा ही रहना है, क्योंकि मैं अगर ऐसा खुद को कहूंगा कि मैं ऐसा बन गया, अरे नहीं मैं इधर इधर उधर बड़ा बन गया, तो अगर मैं कल के दिन नीचे भी आ सकता हूँ, मैं अगर मैं ऊपर हूँ तो मैं नीचे ही समझता हूँ अपने आप को, मैं एक ही लाइन में हूँ। बहुत सारी चीजें ठीक है, अच्छा लगता है, बहुत सारी चीजें जुड़ गई हैं और सबसे बड़ा प्यार है पब्लिक का, पब्लिक ने बहुत। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपकी फिटनेस भी काफी अच्छी हो गई है, जब आपने शुरुआत में हम लोगों ने आपको देखा था तो आप काफी हेल्दी भी थे, और आज देख रहे हैं कि आपका ड्रेस कोड भी बिल्कुल यूनिक टाइप का है और फिटनेस भी अच्छी है, तो क्या एक्टिंग में भी हाथ आजमाना चाह रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरा वेट जो था 95 kg, मतलब 95 kg था, तो मैंने थोड़ा सा, मेरे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मुझे कहा वेट कम करो, और मैं इसमें सबसे बड़ा हमारा बड़े भाई हेमंत बिस्टी जी को दूंगा, जिन्होंने अच्छा। जिनके माध्यम से मेरा वेट कम हुआ है, और उनकी अपनी एक सप्लीमेंट प्रोटीन का अच्छा। कारोबार है हल्द्वानी में बहुत बड़ा, उन्होंने कहा इंदर तू दवाई ववाई छोड़ दे और तू बिल्कुल अपना वेट कम करने के लिए सुबह रनिंग कर, और रात का खाना अवॉइड कर, मत खा, और बाहर का तला भुना बिल्कुल मत खा। और मैंने 3 महीने में अपना 95 से 75 kg में हूँ अभी मैं, और मैंने कम से कम 20 kg कम करा है, और बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ भी कपड़े पहनने में अच्छा लगता है, और आपकी दिक्कत थी स्लिप डिस्क। तो म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के बाद इंदर भाई कोई ऐसा बुरा दौर भी हुआ है, आपको कभी ऐसा लगा कि आपको मोटिवेट करने की कोशिश हो रही है, या क्योंकि होता है बहुत सारी, आप बॉलीवुड की बात कर रहे हैं या उत्तराखंड की म्यूजिक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके जो सामने कई लोग होंगे जो आपको कॉम्पिटिटर मानते होंगे, तो कभी ऐसा महसूस हुआ या कोई आपके साथ ऐसी घटना हुई तो उसका जिक्र आप कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस क्योंकि अगर कोई अच्छा करेगा तो लोग होते हैं कि उसको गिराने वाले, काफी लोग होते हैं कि डिमोटिवेट करने वाले, मोटिवेट तो काफी कम लोग करते हैं, कि कोई हमें मोटिवेट कौन करता, सिर्फ पब्लिक करती है, हम गाने यूट्यूब में डालते लोग सुनते हैं, पब्लिक सुनती है। मैं सब धन्यवाद करना चाहूंगा पूरी उत्तराखंड की जनता का जिन्होंने इतना प्यार दिया, और होते हैं काफी लोग, लेकिन अच्छा लगता है उनसे सीख मिलती है कि हमें हट होकर ना अगर कोई कुछ कहेगा तो वहां से हम सीखते हैं आगे को, तो ऐसे करके मैं सीखते गया और आप सब लोग, आप मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ उत्तराखंड आप तक का, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मैंने शायद अच्छा किया होगा, इसलिए आज आप मेरा इंटरव्यू लेने आए, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तो जैसे आप मेरा आखिरी सवाल की ओर जाते हैं, तो दर्शकों से तो लगातार आपको प्यार मिल रहा है, लेकिन ऐसा कौन सा उत्तराखंड इंडस्ट्री का एक्टर है या कोई जो बॉलीवुड में उत्तराखंड के लोग काम कर रहे हैं, आप अपने गानों में किसे चाहते हैं जो अभी तक आपके गानों में नहीं आ पाए, चाहे बॉलीवुड का हो या उत्तराखंड का हो, कोई ऐसा कलाकार, कोई ऐसा अच्छा डांसर, कोई बताइए। क्योंकि मैं ना किसी का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि सब लोग अच्छा काम करते हैं। नहीं नहीं, वो उसका नाम बताइए जिसको आप लाना चाहते हैं अपने गाने में जो अभी तक नहीं आ पाया। मेरे गानों में सभी लोगों ने अच्छा, कर रखा अभी तक लगभग लगभग ना, सभी लोगों ने कर रखा, जितने भी हमारे उत्तराखंड के हीरो हीरोइन हैं, हमारे जो अभिनेता अभिनेत्री हैं, और पन्नू भाई ने भी करे हैं, संजू सलोटी भाई ने, हिमांशु भाई ने, और काफी जिनको मैं जानता हूँ, श्वेता महाराज जी ने, और हमारे अमित जी ने, सभी लोगों ने कर रखा है, मैं जिनको जानता हूँ उनकी बात कर रहा हूँ, तो सभी ने मेरे गानों में लगभग लगभग, बंटी भाई ने और अंकित रावत भाई ने, जितने भी हमारे उत्तराखंड के हिट लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम करे, सभी ने मेरे गानों में अभी तक अभिनय कर रखा है, और मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा और आपका भी, और ऐसे हम लोग उत्तराखंड को बढ़ चढ़ के आगे ले जाएं। तो अब एक बार आपका जो सबसे सुपर हिट सबसे पहला गाना आया था उसके हम 2 बोल सुनने जाएंगे, तो एक बार मैं दर्शकों को सुना दीजिए। मैं जरूर सुनना चाहूंगा। तेरो लहंगा क्या भलो छाजिरो,
रंगीली बिछोड़ी है वो जरा आंखों में लगा ले कहाँ जला नजर लागली नजर लागली। बहुत सुंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी शादी समारोह चाहे कुमाऊं हो गढ़वाल हो आजकल ऐसा होता नहीं होगा जहां आपके गाने में बजते हो। इसके अलावा हे मधु आपका बहुत सुपरहिट गाना है, तो अभी कुछ दिन पहले मैं जब उत्तराखंड से दिल्ली की ओर आ रहा था तो लगातार वो 10-12 बार जो गाड़ी हमारा वाहन चला था वो लगातार उसी को बजाया जा रहा था, तो उस गाने को भी एक बार सुना दीजिए क्योंकि दर्शक लगातार डिमांड कर रहे हैं। जरूर। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे हे मधु की टीम का और पूरे उत्तराखंड की पब्लिक का। और अभी उसके 23 मिलियन कंप्लीट हो चुके हैं व्यूज और बहुत अच्छा, जहाँ भी ज्यादा डिमांड होती है उस गाने की तो उसको दो लाइन सुनाऊंगा। ज्यादा मेरे गाने हैं ही कब बिल्कुल करीब मैंने अभी तक 10 से 20 गाने मेरे जो हैं करोड़ के लिस्ट में हैं और मैंने जहाँ तक देखे 45 से 50 गीत मेरे मिलियंस में हैं, तो बहुत खुशी होती है। सब पब्लिक का प्यार, जनता का प्यार है उत्तराखंड की, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। हे मधु जरूर सुनाऊँगा। मधु कानों में झुमका परी माथे में बिंदिया गवा गला बंदा परी हाथे में पूजिया हे मधु अलमोड़े की बाल मिठाई त्यार गाले समाई दुनिया की खोट नजर संभाली लुकाई बनी ठेणी बेरा मधु तू झंझाए बजारा जुलम है इजलो जुलम है इजलो जुलम है इजलो जुलम है इजलो। गजब गजब, बहुत शानदार। तो आपके गानों से तो बिल्कुल महफिल जम जाती है। अभी कुछ दिन पहले श्वेता मेहरा हमारे स्टूडियो में आई थी तो हमने भी आपके इस गाने में जो उनका स्टेप है वो उन्होंने करके दिखाया था, तो बहुत पसंद आया था दर्शकों को। खासतौर पर क्रेडिट आपको भी मिला था क्योंकि लगातार हमारे दर्शक कमेंट कर रहे थे कि इंदर आर्या भाई को भी बुलाइए, उनके गाने में जो एक्ट्रेस है उसको तो बुला दिया, आप उनको बुलाइए। तो इंदर भाई, इसके अलावा आप जब इंडस्ट्री में आए आपने बहुत सारे गाने कर लिए, आप बता रहे हैं कि आपने 300-400 गाने आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो कुछ ऐसे गाने होते हैं जो हिट नहीं होते हैं लेकिन वो एक सिंगर की जो सिंगर का सबसे फेवरेट गाना होता है, मतलब होता है ना कि हम लोग बहुत चीज़ें करते हैं लेकिन हालांकि दर्शकों को कम पसंद आया लेकिन कोशिश आपने की, आपका थीम बहुत था या आपको बहुत पसंद है गाना, ऐसा कोई गाना है जो आपको पसंद हो? हाँ बहुत सारे गीत है मेरे ऐसे। तो ऐसा कोई गाना सुना दीजिए जो आपको पसंद हो लेकिन अभी तक वो उतने ज़्यादा। हाँ बहुत सारे गीत हैं, ईजू की याद है और हिट सुनंदा है और पहाड़ों के बारे में है, ईजू की याद सुनाता हूँ। उड़ जा रे पंची डानो पारा हो ईजू के बता दिए मेरो हाल चाला ईजू छे के दिए भल है रो तेरे लाला होटल को खाना ईजू खाई न लगनी तेरे हाथे को खाना ईजू भाते याद ऊनी उड़ जा रे पंची डानू पारा हो ईजू छ के दिए मेरा हाल चाला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि ये गाना सुन के होटल इंडस्ट्री में जितने हमारे उत्तराखंड के भाई हैं वो जरूर इमोशनल हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना अपने होटल में जब आप काम करते होंगे तब लिखा है शायद। हाँ, या ऐसे थीम ये गाना हमारे शंकर भाई ने लिखा है जिन्होंने लहंगा 3 लिखा था, तो उन्होंने कहा दाजू ये गाना है ईजू की याद पे तो आप गाओगे, मैंने कहा ठीक है मैं गाऊंगा। लॉकडाउन में गाया ये गाना मैंने, तो बहुत लोगों ने सुना है इसको लेकिन बहुत अच्छा गीत है और मेरे स्लो गीत जो है लोग कम सुनते हैं क्योंकि मैंने जो दो डांसिंग सॉन्ग ज़्यादा सुनते हैं तो उसी में ज़्यादा काम होता है। स्लो गाने भी गाता हूँ और न्योली सब गाने गाता हूँ, सब तरीके गाता हूँ लेकिन न्योली भी गाते हैं आप, तो कोई न्योली सुना दीजिए जो आपको याद हो क्योंकि महफिल आज जो है वो गानों की है, तो निवली का जिक्र कर दिया तो सुना दीजिए। ओली धारे में दे देवी को थाना इजू हे इजू दूदी लेने वायो हे ला तेरा जूठा वो खानिया नाची जोड़ी ये ला माया लेख वायो। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो आखिरी सवाल की ओर जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड तक के दर्शकों को कि लगातार आपका प्यार, वो लगातार आपके गाने सुनते हैं और आपको बहुत सारा प्यार देते हैं, तो कोई ऐसा संदेश देना चाहते हैं और आज के इंटरव्यू के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा महसूस हुआ आपको?
मुझे आज बहुत अच्छा लगा और आज मुझसे काफ़ी गलतियां भी हुई इंटरव्यू में पहली बार, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जितने भी हमारे उत्तराखंड आज तक के दर्शक हैं, बस ऐसे आप लोग सपोर्ट करें और ऐसे फॉलो करें इनका पेज यूट्यूब चैनल, और ऐसे हम कलाकारों को सपोर्ट करें, और धन्यवाद आप सभी लोगों का, पहला प्रणाम, जय देवी हो उत्तराखंड। तो देखा आपने कि उत्तराखंड के जो कलाकार हैं वो पूरी दुनिया भर में इस वक्त जाते हैं और उत्तराखंड की कला की जो छटा है उसको बिखेरते हैं, तभी आज उत्तराखंड, बल्कि उत्तराखंड तक ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में आज डंका बजा रहा है। आज कलाकार चाहे सिंगर हो या डांसर हो, पूरी दुनिया में जाते हैं और उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में लोगों को बताते हैं, युवा पीढ़ी को बताते हैं। तो आज हमने आपको इंदिर आर्य से मिलाया, कल फिर हम आपको नए एक अपने कलाकार से मिलाएंगे, उत्तराखंड के सुपरस्टारों से मिलाएंगे। देखते रहिए उत्तराखंड तक।